नमस्कार किसान भाइयों, मैं विकास मौर्य, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भी के टेक एग्री। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को टमाटर की फसल में टमाटर के फूल गिर जाते हैं या फिर फल बहुत कम लगते हैं, आखिर इसका रीज़न क्या है कि टमाटर की फसल में फूल का गिरना या फल बहुत कम लगना फूलों का, इन सब का समाधान कैसे होता है, इसका रीज़न क्या है, किस कारण से यह फूल गिरते हैं या फल फूल बहुत कम लगते हैं, इन सभी बातों को दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे पूरी विस्तार से। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए डेली एक वीडियो लेकर आता रहता हूँ, डेली एक एक वीडियो लेकर आता रहता हूँ किसी भी टॉपिक पर। दोस्तों, आपको कृषि संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी भी मतलब रोग की दवा या किसी भी बीज के बारे में जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए देखते हैं कि क्या है, आखिर क्या कारण है फल गिरने का, फूल बहुत कम लगने का। दोस्तों, टमाटर के पौधों में फूल कम आना या गिर जाना बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चार कारण हैं फूल गिरने के या फल बहुत कम लगने के, इस बारे में दोस्तों मैं बताऊंगा। तो मेन रूप से चार इम्पोर्टेंट कारण हैं फूल गिरने का। सबसे पहला कारण आता है दोस्तों मौसम का कारण। टमाटर की खेती में टेम्परेचर का बहुत महत्व रहता है, क्योंकि टमाटर के बीज को अंकुरित होने के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर माना जाता है, और जब टमाटर का पौधा इस टेम्परेचर में ग्रोथ करता है तो पेड़ पौधों में फूल खिलने लगता है। इस फूल का पोलाइनेशन जो होता है उसके लिए ज़्यादा 30 सेंटीग्रेड और कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के अंदर होता है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर हो जाता है तो फूल गिरने की समस्या देखने को ज़्यादा मिलती है। तो यह रहा दोस्तों मौसम के कारण भी फूलों का गिरना या फल फूल बहुत कम लगना, मौसम पर भी डिपेंड करता है। अब दूसरा कारण देखते हैं पानी का कारण। यदि आप गर्मी में खेती कर रहे हैं तो आपको 5 से 6 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर देनी चाहिए, या फिर आप सर्दी के टाइम में खेती कर रहे हैं तो आपको 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर देना चाहिए। उसके अलावा जब फसल में फूल आता है तो उस टाइम पानी को रोक देना चाहिए, जब फूल लगने लगता है तो उस टाइम पानी को रोक देना चाहिए ताकि फूल ख़राब ना हो जाए। और जब पौधों में फूल से फल बनता है तो दोस्तों आपको पानी की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए ताकि फसल अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाए। अर्थात हम देख रहे हैं कि जब जो है मतलब फूल आता है तो उस टाइम हमको पानी नहीं ज़्यादा देना चाहिए, और जब फूल से फल बनने की अवस्था होती है उस टाइम हमको पानी ज़्यादा देना चाहिए फसल को, जिससे हमारी फसल जो है अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाएँ। अब दोस्तों यहीं देखते हैं हम नंबर 3, खाद के कारण भी फूलों का झड़ना या बहुत कम मात्रा में फूलों का लगना होता है, खाद के कारण भी ऐसा होता है। यदि दोस्तों आप फर्टिलाइज़र सही समय पर सही खाद नहीं डालते हैं तो फिर फूल कम आता है या फूल गिरने लगता है। जैसे कि आप खेत में DAP, यूरिया या और कोई ऑर्गेनिक खाद डालते हैं, यदि इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, सही मात्रा नहीं पड़ पाती है तो फूल गिरने लगते हैं। इसके समाधान के लिए दोस्तों हमको बीज बोने से पहले अपने मिट्टी का टेस्ट करा लेना चाहिए। इससे दोस्तों पता चल जाता है कि हमारे मिट्टी में किस पदार्थ की कमी है। किसी भी मतलब टमाटर को
बीज को बोने से पहले आपको अपने खेत की मिट्टी की जांच करा लेनी चाहिए, जिसे हम सॉइल टेस्टिंग कहते हैं। इससे जो है दोस्तों, जब जांच कराएंगे तो उसमें पता लग जाता है कि हमारे खेत में किस चीज़ की मात्रा अधिक है या किस चीज़ की मात्रा कम है, तो हमें किस चीज़ का मतलब जिसकी मात्रा कम होती है उसको डालना पड़ेगा, जिससे हमारी फसल जो है अच्छी होती है। उसी अनुसार हमें खाद डालनी चाहिए, तभी हमारा पौधा अच्छी तरह से विकास करेगा और फूल गिरने से रुकेगा, जिससे हमें अच्छी पैदावार मिल जाएगी। तो यार दोस्तों, खाद के कारण फूलों का गिरना, फूलों का कम लगना। अब हम दोस्तों देखते हैं चौथा और लास्ट कारण क्या होता है। तो दोस्तों चौथा कारण है रोग कीट के कारण। यह दो दोस्तों होता है, यह इसका सबसे मुख्य कारण होता है रोग एवं कीट के कारण, जो फलों का गिरना, फूलों का कम लगना, यह सबसे मुख्य कारण होता है। जैसे कि टमाटर के पौधे में सबसे इम्पॉर्टेंट कीट होते हैं सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, अर्थात जितने भी प्रकार के रस चूसक कीट हैं, इन सब के कारण भी फूल गिरने की समस्या देखने को मिलता है। और रोग कभी कभी जैसे अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट जैसे रोग, यह टमाटर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इन रोगों से बचने के लिए हमें अच्छे फंगिसाइड का यूज करना चाहिए, जिसके निवारण के लिए हम दोस्तों जो है फंगिसाइड के रूप में अवतार 50 ग्राम प्रति टंकी, मतलब 15 लीटर पानी में 50 ग्राम अवतार, और इंसेक्टिसाइड के लिए इमिडा क्लोप्रिड 15 ml प्रति टंकी 1 ml प्रति लीटर पानी के एवरेज से दोनों को घोलकर टंकी में डालकर ऊपर टंकी पानी भर के छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा यदि इन चार कारणों के बावजूद भी अगर फूल गिरने या फूल कम आने की समस्या देखने को मिलता है, तो दोस्तों आपको बायर कंपनी का प्लेनोफिक्स एक दवा आती है, जो एक हार्मोन होता है, उसको दोस्तों आप 0.25 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर लेना चाहिए। इसे आप यदि करते हैं, इस दवा का इस्तेमाल करते हैं, तो फूल गिरने की समस्या या फूल कम लगने की समस्या से बचा जा सकता है। तो यह था दोस्तों टमाटर में फल फूल कम आने का कारण या गिर जाने का कारण। अब दोस्तों यदि वीडियो जो है आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो से और भी कोई सुझाव देना हो या किसी प्रकार की और भी जानकारी लेना हो, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं।